हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने बोल बनाने जा रही हूँ बीट रूट चाट्स। ये गर्मियों के सीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद जूस है। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट जो जो चाहिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये है गाजर, एक बी, हरा धनिया, फिर ये भुना हुआ जीरा पाउडर, ग्रीन चिली, काली मिर्च, सॉल्ट, दही, जो अच्छा वाला दही हो, और एज पर टेस्ट चीनी अगर किसी को ज़रूरत है तो आप दे सकते हो, या अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, विदाउट शुगर भी आपका ये जूस चलेगा। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ गाजर का छिलका उतरने। इस तरह से मैं गाजर का, दो गाजर का सिल्का अच्छे तरह से निकाल लीजिए। फिर अब दोनों गाजर को छोटा छोटा करके काट लीजिए। इसको थोड़ा अभी साइड कर दीजिए। फिर उसी तरह से अब बीट का भी का उतार लीजिए। इसी तरह बीट का भी आप सिलका अच्छे तरह से निकाल लीजिए। फिर बीट को भी गाजर की तरह छोटा छोटा क्यूब काट लीजिए। वैसे भी बीट सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। बच्चों को बीट पसंद भी है। हो गया पी, और जो हरा धनिया चाहिए इसको भी मैं थोड़ा छोटा करके काट लूं। फिर जो दो ग्रीन चिली, ये आपके सामने अभी ग्रीन चिली, पीट, गाजर, हरा धनिया सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। अभी मैं गैस के ऊपर जो कटा हुआ गाजर था उसको थोड़ा सा नमक देके 5 मिनट्स आप उसको बॉईल कर लीजिए। थोड़ा सा एक ढक्कन दे दीजिए तो फटाफट हो जाएगा। Thank you.
अभी 5 मिनट हो गया, तो आपका गाजर भी फुल्ली बॉईल हो गया। अभी आपको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिए गैस ऑफ करके। अभी मैं ये गाजर जो बॉईल किया था इसको स्ट्रेन करके लेके आई हूँ। फिर अभी मैं इसको मिक्सी में डाल रही हूँ और जो कटा हुआ बीटरूट था वो भी एक साथ डाल रही हूँ। हरा धनिया, कटा हुआ चिली मिर्च, थोड़ी से काले नमक, स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ जीरा, अगर आपको चीनी चाहिए थोड़ा सा स्वाद के लिए चीनी भी दे सकते हैं। और जो सबसे स्पेशल है वो है दही। गर्मियों के लिए दही वैसे भी अच्छा है, इससे इसका स्वाद भी बढ़ेगा, थिकनेस भी आएगा। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लूँ। अभी ये मिक्सी में सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिया। अभी इसको 40 सेकंड तक अच्छे कंसिस्टेंसी जो उसका लेवल चाहिए उसी हिसाब तक आप मिक्सी चला लीजिए, ठीक है। अभी मैंने मिक्सी में पूरा मार दिया इसको, हो गया ब्लेंड। वाओ, इसका कलर देखिए आप, कितने सुंदर, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसे लग रहे हैं, है ना। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको ग्लास के ऊपर सबसे पहले आइस क्यूब डालूंगी। बस रेडी है आपके सामने ये बीटरूट छाछ, गर्मियों के सीजन का बेस्ट। थैंक यू।